हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास 7 का एनसीईआरटी का मैथ है ये, और एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। काफ़ी रात हो चुका है और आप लोगों को बारिश की वजह से झिंगुरों की आवाज़ सुनाई देता होगा, और इसके अलावा हल्की बारिश भी हो रही है, उसकी भी आवाज़ सुनाई दे सकता होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा, लेकिन फिर भी मैं काम को नहीं रोक सकता। इसमें ईजी क्वेश्चन है, तो दो चार क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। आज काफ़ी दिन हो गया मैथ का वीडियो का, तो फर्स्ट में यहाँ देखते हैं प्रोडक्ट निकालने के लिए कर रहा है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई का यहाँ पे साइन भी दिया हुआ है। तो एक्चुअली यहाँ इंटेजर्स यूज किया गया है, माइनस वाला नंबर यूज किया गया है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ईजिली आप कैसे बना सकते हैं, तो सीधा सा समझना है, नंबर ऑफ माइनस अगर इवन हो तो मल्टीप्लाई प्लस में आएगा, और नंबर ऑफ माइनस अगर ऑड हो तो आपका आंसर जो है वो माइनस में आएगा। तो अभी बोलने से पता नहीं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, लेकिन बनाने से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ एक माइनस है, एक माइनस है, इसका मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको माइनस आंसर दे देते हैं, माइनस दे देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर कितना आएगा, नंबर आएगा 3 1 3, तो माइनस 3 इसका आंसर आ गया, ये माइनस 3, यही आंसर है इसका। उसके बाद यहाँ पे लेते हैं, तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक माइनस है, इसका मतलब इसका आंसर में माइनस आएगा। तो इसका पहले हम लोग माइनस लिख देते हैं, माइनस दे दिए। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को, तो वो संख्या उतना ही रहता है, तो 225 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 ही रहेगा, तो माइनस में आएगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 225, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर उसी तरह का दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस की संख्या 2 है, मतलब इवेन नंबर हो गया, नंबर ऑफ माइनस जो है वो इवेन है, इसका मतलब है कि इसमें इसका आंसर जो है प्लस में आएगा। तो कोई भी हमको यहाँ पे साइन देने की आवश्यकता नहीं, प्लस लिखने के लिए कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं होता है, उसमें कुछ ना हो तो समझिए कि प्लस है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 वाला मल्टीप्लाई ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, तो कैसा होता है, वो जो है 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक 0 उस पर लगा देंगे, तो 3 1 3 हो गया, 3 1 3 और 3 2 6 हो गया, 6 हो गया 63, और उस पर 10 लगा दिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ माइनस जो है वो इवन है, 2 है, इसका मतलब इसका आंसर प्लस में आएगा, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, और इसको 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना ही नंबर रहेगा 316, तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा 316, ये हो गया। अब यहाँ पर 3 नंबर दिया हुआ है, तो अगर कहीं भी 0 हो तो फिर आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस हो चाहे प्लस हो, वो 0 ही आएगा, इसलिए आँख मूंद के यहाँ पे 0 इसका आंसर दे देना है, ये हो गया। और यहाँ पे नंबर ऑफ माइनस जो है वो इवन है, इसका मतलब इसका आंसर जो है प्लस में आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 20 10 120 हो गया, और 120 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर लेते हैं यहाँ बगल में 120 को 11 से करेंगे, 120 ही होगा 120, और फिर एक क्रॉस लगाते हैं, फिर 120 होगा इस तरह से, और यहाँ पे 0 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो गया, और ये 1, मतलब 1320, तो ये आंसर आ जाएगा 1320, ये आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे माइनस जो है 2 है, इसका मतलब है कि आंसर प्लस में आएगा, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, कितना होगा 9 3 27 हो गया, 27 6 तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 6 यहाँ पे ही कर लेते हैं, 27 6 7 6 42 हो गया, 4 बच गया, 6 2 12 और 4 तो 16 हो गया, 162 यहाँ पे प्लस में ही रहेगा, तो 162 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 3 माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है माइनस में आएगा, नंबर ऑफ साइन जो है वो ऑड है, इसीलिए माइनस में इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 5 4 20 हो गया, और 20 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 0 बाद में बैठाएंगे, 18 2 18 2 36 और उस पर 1 0 लगा दिए, तो 36 1 0 इतना इसका आंसर आ जाएगा, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1 2 3 नंबर ऑफ माइनस ऑड है, इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है
माइनस में आएगा, तो माइनस पहले लगा देते हैं। अब कितना आएगा, 4 3 12 हो गया, और 12 2 24, और 24 1 उतना ही रहेगा, 24 ही रहेगा, तो -24 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे है, तो ये कितना है, 1 2 3 4 4 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस आंसर आएगा, तो प्लस इक्वल टू दे देते हैं, प्लस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 6 3 18 हो गया, 6 12 6 18 18 2 36 हो गया, तो मतलब 36 इसका आंसर आएगा। तो ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए कर रहा है, वेरीफाई द फॉलोइंग, यहाँ पे इक्वल टू के इधर जितना है और इक्वल टू के इधर जितना है, दोनों इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे बनाते हैं 2 नंबर का ए, यहाँ पे दिया हुआ है 18 × 2, तो इसको क्या करना होगा, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होता है, ये ब्रैकेट जब हटता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ 18 रख देते हैं, और यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट रखते हैं, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3, ये हो गया। नेक्स्ट में यहाँ पे 18 7 18 का टेबल पढ़ लेते हैं, 10 36 54 72 85 90 86 96, मतलब 126। तो यहाँ पे 126 लिख देते हैं, और यहाँ पे प्लस ब्रैकेट को हटा देते हैं, यहाँ ब्रैकेट रखना होगा, तो ब्रैकेट एक बार रख लेते हैं, यहाँ पे 18 हो गया, और ये माइनस है, तो माइनस को माइनस ही रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 34 54 18 3 54 54 होता है, चलिए इसको रख लेते हैं, वरना काटना पड़ जाएगा, इसको यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, 18 है, और 7 में 3 गया तो 4 बच गया, तो ये मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 126 है, तो 126 प्लस ब्रैकेट को हटा देते हैं, यहाँ पे 18 3 54 हो गया, तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको एक बार माइनस रख लेते हैं, 54 ये हो गया, तो 18 36 54 18 72 आ रहा है, 72, और इसका कितना हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया 126 माइनस 54, तो इसको 72 रख लेते हैं, और इसको यहाँ पे माइनस करते हैं, 6 में से 4 2 हो गया, और यहाँ पे 12 में से 5 तो 7 ही होगा, 72 तो इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि ये प्रूफ हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये हो गया वेरीफाइड, वेरीफाइड ये आंसर हो गया। बी नंबर का लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर बी, थोड़ा सा लंबा दिया हुआ है, इसको ठीक से बनाना होगा, अब अदरवाइज गलती होने की काफ़ी संभावना होता है। तो सबसे पहले ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, और इसके अंदर इसको सॉल्व करेंगे, और इसके अंदर इसको सॉल्व करेंगे, इतना ब्रैकेट जो दिया हुआ है इसके अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको -21 रख सकते हैं, -21 इसके आगे में कुछ नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई दे देते हैं। अब बड़ा ब्रैकेट के अंदर में हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, हम इसको -4 लिख सकते हैं, -4, और यहाँ पर माइनस प्लस हो गया, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो -6 लिख सकते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट इतना हो गया। इसके बाद इक्वल टू देते हैं, अब इस ब्रैकेट के अंदर काम करते हैं, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट का चिन्ह ले लेते हैं, हम इसको -21 लिख सकते हैं, -21, अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसको -4 इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे लेंगे, और इसको यहाँ पे प्लस, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 21 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 × 6 कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 2 12 हो गया, 126, तो यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो 126 लिख लेते हैं, सभी छोटे ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब यहाँ क्या होगा, -21 ले लेते हैं, इंटू रखते हैं, और माइनस माइनस जो है ये जुट जाएगा, लेकिन माइनस में ही रहेगा, तो कितना हो गया, -10 हो गया, तो इसको हम ब्रैकेट में अभी रखते हैं, -10 इक्वल टू यहाँ पे 21 4 जा कितना हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, 2 माइनस है यहाँ पे, तो 4 हो गया, 4 और 4 2 8 हो गया, 84 हो गया, प्लस 126, अब ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये माइनस माइनस में, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,
और 21 टेन जा 210 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 84 प्लस 126, तो क्या ऐड करने से ये 210 आएगा, तो 210 तो यहाँ आ गया है। अब यहाँ पे 6 और 4 10 हो गया, 0 1 बच गया, 8 to 10 और 1 11 1 हो गया और 1 और हाथ वाला एक 1 2 हो गया, 210 तो बराबर आ गया। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस वेरीफाइड हो गया जो करना था और ये आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2।